हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे जहाँ भी होंगे। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे थे, लेकिन अंधेरा बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि अब सर्दियों का दिन शुरू हो गया ना, तो शाम बहुत जल्दी हो जाती है। तो हम लोग बस घर के पास आए हैं थोड़ा बहुत सामान लेने। ये एकदम घर के पास ही है रिलायंस ट्रेंड, तो यहाँ पे से ना मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है। बाकी ग्रॉसरी मैंने ऑनलाइन मंगा ली है, लेकिन इनको जो है अपना सेविंग किट वगैरह कुछ लेना था, तो ये बोले चलो पास से ही ले लेता हूँ मैं देख करके। तो यहाँ आए हम लोग बस ये सामान लेने के बाद में थोड़ी बहुत मैं सब्ज़ी लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी बिल्कुल नहीं है, और अगर सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है ना तो कोई भी चीज़ बनाने का मन नहीं करता है, और दूसरी बात दिमाग भी नहीं चलता है कि क्या बनाए। चाहे आप स्नैक्स बनाओ उसमें भी सब्ज़ी चाहिए कुछ ना कुछ, या फिर आप खाना बनाओ रोटी सब्ज़ी दाल चावल, तो इसमें भी आपको सब्ज़ी तो एकदम मस्ट ही है। तो मैंने सोचा चलो मैं सब्ज़ी भी ले लूँगी और ये अपना सामान भी ले लेंगे। उधर सामने रिलायंस। अरे हम तो भूल ही गए। हाय एवरीवन, अभी बज रहे हैं 7:00 और हम लोग जाके आ चुके हैं। जो सामान जरूरी का था ले आए, और आज राशन मंगवाया है ऑनलाइन ही, तो वो भी रात 10 बजे तक की टाइमिंग है, तो 10 बजे तक शायद आ जाए। और मैं यहाँ लेके बैठी हूँ धनिया पुदीना, अभी लेके आई हूँ एकदम फ्रेश, देख सकते हैं आप। इसकी चटनी बनाऊंगी, सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है, तो कुछ शाम को हल्का फुल्का स्नैक्स चाहिए होता है, तो इसके साथ में चटनी बहुत अच्छी लगती है सैंडविच के साथ धनिया पुदीने की। तो बस यहाँ पे मैं धनिया सुधार लेती हूँ। आलू उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिया है, तब तक आलू उबल जाएंगे, आलू की स्टफिंग तैयार कर लूँगी और फिर फटाफट से सैंडविच बनाऊँगी। रिलायंस में ना गाइज़ आज सब्जियां अच्छी नहीं थी, क्योंकि शाम हो चुकी थी, सब बची खुची थी और फ्रेश भी नहीं लग रही थी। तो फिर रोड के दूसरी तरफ ही विजेता सुपरमार्केट है, हम लोग वहां गए। स्कूटी तो हम लोगों ने यहीं पे ही पार्क कर दी थी रिलायंस में, बस हम लोग पैदल ही गए थे। तो वहां से मैंने सब्जियां ले ली, और आप देख सकते हैं धनिया पुदीना कितना फ्रेश है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंडी से लेकर के आई हूँ। और वैसे भी अब धीरे धीरे सर्दियां आ रही है, तो सर्दी में जो है सब्जियों के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, धनिया पुदीना एकदम फ्रेश ताज़ा मिलेगा बहुत सारा, तो हर दिन ही चाहे आप चटनी बना के खा लो, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है पुदीना। और आयन को बहुत पसंद है, मैं कोई भी स्नैक्स बनाती हूँ या खाने में भी, तो वो हमेशा बोलता है कि चटनी बना के रखना मम्मी, तो मैं किसी भी कंटेनर में छोटे डब्बी वब्बी में डाल करके रख देती हूँ, और 2-5 दिन एकदम आराम से चल जाती है। और इसमें अगर आप आंवला डाल करके बनाओगे ना तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कभी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं पुदीना और धनिया सुधार के, उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली। इसमें क्या क्या डाल रही हूँ, इसमें 3 मिर्ची है, और ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, और साथ ही में मैंने अदरक लिया है। तो बस चटनी मैंने पीस ली है, उसमें मैंने जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, काला नमक ज़रूर डालें आप, हरी चटनी जब भी बनाएं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी का। तो काला नमक सादा नमक दोनों डाल के नींबू निचोड़ दिया, और यहाँ मैंने देखिए आलू को अच्छे से मैश कर लिया उबलने के बाद, और इसमें मैंने गाजर और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया है। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, पत्ता प्याज ये सब भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ, तो मसाले में यहाँ पे मैं जीरा पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा इसमें पाव भाजी का मसाला है, और काला नमक है, चाट मसाला है, बस यही सारे मसाले हैं। और इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया है, अच्छी से सारी चीज़ों को मिला लूँगी और स्टफिंग जो है हमारी तैयार हो जाएगी। इसमें आप भुना हुआ जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
मैंने एक सेक दिया है और हम लोगों की स्टफिंग में अब मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इन्होंने बोला हरी मिर्च ऐड कर देना इसमें, तो बस मैं हरी मिर्च काट रही हूँ उसमें, और अयन के सेकने के बाद में फिर मैं इन मेरे लिए और इनके लिए सेकूँगी। तो उसे ना जितने भी मसाले डालती हूँ ना सब्ज़ी में, चाहे मैं कोई और चीज़ बनाती हूँ उसमें, उतना ही काफ़ी होता है। उससे ज़्यादा मिर्ची वो खाना पसंद ही नहीं करता, और हरी मिर्च अगर मुँह में आ जाए ना बाइट में उसके, तो वो निकाल के पूरा बाइट ही गिरा देता है। तो इससे अच्छा मैं डालती ही नहीं हूँ। बच्चे शौक से जो चीज़ खा ले वही अच्छा होता है, पेट भरने से मतलब है। तो बस मैं उसकी प्लेट लगा रही हूँ यहाँ पे, साथ में मैं उसको थोड़ा सा सेजवान की चटनी दे दूँगी, उसे बहुत पसंद है। और हरी चटनी तो मैंने बनाई ही है, इसमें मैंने नींबू नहीं ऐड किया था, तो अभी मैं इसमें नींबू भी ऐड कर दी हूँ। थोड़ा सा ऊपर से मैं आलू भुजिया स्प्रिंकल कर रही हूँ, और बस सैंडविच बन गई है। देखिए कितनी सिंपल है और फटाफट से बन भी जाती है। तो बस मैं आयन को दे दूँगी, और आप लोगों में से जो भी कोई चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।